हाय डियर, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन, क्वांटमैटिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आपका फिर से एक बार तहे दिल से वेलकम करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे एजेस के और कुछ नए सवालों को, और देखते हैं आज क्लास थर्ड है एजेस का, और इस थर्ड क्लास में हम लोग क्या कुछ नया सीख सकते हैं, क्या कुछ नए तरीके के सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्लास को पहला सवाल के साथ। तो ये है आज के क्लास का पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि टुडे इज मोहित्स बर्थडे, ही हैज टर्न 24। मोहित वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोहन वाज व्हेन मोहित वाज एज ओल्ड एज सोहन इज नाउ। हाउ ओल्ड इज सोहन। सवालों में चक्कर क्या है भाई, ये सवाल आपको समझने ही नहीं देगा कि सवाल कह क्या रहा है, तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा बेहतरीन तरीका कि इस तरह के सवाल जो अगर आपके एग्जाम में आए तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इस पॉइंट पे, मैं जो बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे जैसे ब्लड रिलेशन में खुद को उस जगह पे रख के सोच लेते हैं कि वो पर्सन मेरा क्या लगेगा, और वो आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह के सवालों में भी अगर आप अपना इंटेलिजेंसी का यूज करें तो बिना कुछ सपोज किए भी खुद को उस जगह पे रख करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं जो सवाल में पूछा गया है। बट मैं चाहता हूं कि अगर आप उस तरीके से नहीं खुद को एज्यूम करके कर पा रहे तो भी आप इस तरह के सवालों से कैसे बच के निकल सकते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है मेरा तरीका, आई नो कि क्यों इतना करना पड़ेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके को फॉलो करिए। तरीका बहुत जबरदस्त है, बहुत कम समय में एरर का कोई गुंजाइश नहीं है, और आप बहुत सुंदर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, या इस तरह के क्वेश्चन को आराम से जूझ सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन को समझाना यहाँ क्या है कि मोहित का आज बर्थडे है और वो 24 ईयर का हो गया आज। अब जो लाइन कह रहा है इसमें ही बड़ा पेचीदगी है। मोहित वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोहन वाज व्हेन मोहित वाज एज ओल्ड एज सोहन इज नाउ। इसे ट्रांसलेट करना टिपिकली हिंदी में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं आपको करने के तरीके से ही समझा देता हूं और आप खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए करना क्या है, मैं इस तरह से लिखता हूं कि ये मोहित है भाई और ये सोहन है, ये ओल्ड एज है और ये सपोज करिए अभी का एज है नाउ या न्यू एज। इस तरह से मैंने एक सिस्टम बना दिया। तो अब आप सोचो मैथ में किया क्या है, इंग्लिश को भी पिरोया है, तो इंग्लिश को डील करने का अपना तरीका। अगर क्वेश्चन में कहता है कि मोहित वाज, तो कौन सा जगह में आप जाएंगे, ये वाला मोहित वाज। अगर कहता है सोहन वाज तो कौन सा जगह, अगर कहता है मोहित इज दैट मीन्स ये वाला जगह, नाउ सोहन इज दैट मीन्स ये वाला जगह। लैंग्वेज का ही खेल है। तो आइए देखते हैं, फिर से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं कि मोहित का आज बर्थडे है, ही हैज टर्न 24, यानी कि ये वाला जगह मोहित का 24 एज। अब कह रहा है मोहित वाज, तो आप समझो बात को कि मोहित वाज मतलब ये वाला जगह, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोहन वाज मतलब ये वाला जगह, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है भाई दो गुना। मोहित वाज ट्वाइस दो गुना एज ओल्ड एज सोहन वाज व्हेन, इस जगह से फिर टूटा है बात, व्हेन मोहित वाज मतलब फिर से ये वाला जगह, एज ओल्ड एज सोहन इज नाउ मतलब सोहन इज नाउ तो ये वाला जगह, तो एज ओल्ड एज बोला है मतलब ये वाला और ये वाला क्या भाई, तो आप कहेंगे इक्वल। आसान हो गया सोचना। अब मैं क्या करूंगा, इसे x सपोज कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x, बोला है ना इसका दो गुना, इसलिए मैंने नोटेशन में लिख के रखा था। और अगर ये 2x तो देखिए बोला है कि ये इक्वल, यानी कि ये भी 2x। तो ये सारा सिस्टम को मैंने अपने ग्रिप में ले लिया। समझना ये है आपको कि भाई ये ओल्ड, सपोज करिए 2000 का एज है और ये ईयर 2019 का एज, तो मोहित इस वक्त कितना था बॉदर करने की जरूरत नहीं है, मोहित अभी क्या है 24 दिया हुआ है मत बॉदर करो आप, बट आप ये बताओ कि इसका उम्र यहां पे और यहां पे जो भी रहा होगा, चाहे सोहन का उम्र इसमें और इसमें जो भी रहा होगा, ये बात तो तय है ना कि ये गैप सेम है 2000 से 2019, यानी कि मोहित का इस वाले एज को इस वाले एज से घटाएंगे, तो मैंने एज्यूम कर लिया 19, ये गैप 19 आएगा कुछ भी हो, यानी कि सोहन का ये वाला एज से एज को अगर मैं इस वाले एज से घटाऊंगा तो भी वो गैप सेम आएगा। आपको जरूरी नहीं कि मैं 19 कह रहा था आप 19 ही समझो, मैं ये बस बोलना चाहता हूं कि दिस माइनस दिस
will be equal to this minus this. ये बात तो तय है, तो ये by default equation आपसे बन रहा है. यानी कि आप क्या कहोगे कि 24 minus 2x is equal to 2x minus x. This minus this will be equal to this minus this. तो एक by default line दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे 24 इस 2x को उधर ले जाओगे तो 2x plus 2x 4x minus x यानी कि 3x. तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे 8. अगर x का वैल्यू 8 आ गया तो आप मुझे बताओ, पूछा क्या है हाउ ओल्ड इज सोहन, तो सोहन का एज कितना आपने अभी अज्यूम किया है 2x, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोहन का एज इज 16 ईयर. तो आई होप बहुत ही सुंदर तरीका है, इससे अगर आप जाएंगे तो इस तरह के सवालों को अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो बड़े आसानी से डील कर सकते हैं. मैं बस यही समझाना चाहता हूं कि लैंग्वेज में या उसका ग्रामेटिकल उलझन में उलझने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्कीप दिस आउट, आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं. इस तरह का क्वेश्चन मैं और रखूंगा, बस आप इस बात को समझो कि अभी वाले वेराइटी और आने वाले वेराइटी में मैं क्या चेंजेस लाने वाला हूं. अभी ये जो चार ब्लैंक जगह मैंने लिया था तो एक जगह तो कॉन्स्टेंट आ गया, बाकी तीन जगह वेरिएबल से भरना पड़ा और वो वेरिएबल एक ही टर्म में है. मतलब ये तीन ब्लैंक जो था वो एक्स के टर्म में ही फिल हो गए. कभी कभी ऐसा होगा कि आप ब्लैंक जगह को एक ही वेरिएबल से नहीं फिल कर पाएंगे, आपको एक और वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा. इस सवाल में ऐसा नहीं था, अभी मैं बस बोल रहा हूं, आप सुन लो बस. अगर ऐसा सिचुएशन आएगा कि सारे ब्लैंक जगह को भरने के लिए हमें दो वेरिएबल का यूज करना पड़े तो ट्रस्ट मी एक लाइन और देगा, क्योंकि अगर दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा ना. मैथमेटिक्स का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर होने चाहिए. तो अभी एक इक्वेशन क्यों दिया है, दिया भी नहीं, हम खुद निकाले हैं. और वो क्यों है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है. जब भी सवाल में दो वेरिएबल लेना आपकी मजबूरी बन जाएगी तो ट्रस्ट मी एक लाइन ऐसा और देगा कि आपका एक और इक्वेशन बनेगा. तो दो इक्वेशन होंगे और दो वेरिएबल होंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं. तो इतनी जो बातें मैंने कही है एक सवाल में रख रहा हूं कि आप आसानी से समझ पाए उस बात को, राइट. तो ये रहा आज के क्लास का दूसरा सवाल. सवाल में रीड कर रहा हूं, ए सेज टू बी आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेर when I was as old as you are. The sum of their present ages is 63. Find the age of A. तो बीच का ये इंग्लिश में नहीं समझा सकता हूं, ठीक है, उसको मैथमेटिकली मैं क्लियर कर दूंगा. बाकी चीजें जो मेरे से ट्रांसलेट हो सकती है मैं कर दे रहा हूं. A B को बोल रहा है I am twice as old as you were when I was as old as you are. The sum of their present age, उनके ages का जो sum है वो 63 है. Find the age of A. अगर आप मेरे पिछले सवाल को डिस्कस करने के बाद जो बात मैंने कही वो सुन लिया आपने, तो आपसे एक बात तो समझ में आ गया होगा कि आप देखो ये लाइन एक एक्स्ट्रा दे रहा है जो उस सवाल में गिवन नहीं था. यानी कि एक इक्वेशन वो जबरदस्ती आपको गिफ्ट कर रहा है भाई. क्यों गिफ्ट कर रहा है, दैट मीन्स आपको वो जो बॉक्स बनेंगे उस बॉक्स में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. सिंगल वेरिएबल से वो सारे बॉक्स फिल नहीं होंगे. ये ए है भाई, ये बी है, ये पुराना एज ओल्ड इज गोल्ड, ये नया एज न्यू इज फाइन. कह रहा ए कि आई एम मतलब अभी वाला जगह, ट्वाइस एज ओल्ड एज यू वेर तुम्हारा पुराना वाला जगह, मतलब इससे ये कितना है भाई, दो गुना है. अब कह रहा है यहां से टूट रहा है, देखिए व्हेन आई वाज मतलब ए का ये वाला जगह, As old as you are, तुम अभी के, ये वाला क्या है, इक्वल. तो आप देखो अगर आप इसे x सपोज कर लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इसे 2x मानोगे. अब इनके थ्रो यहां यहां जाने का कोई जगह ही नहीं है, समझ में आ गया बात. यानी कि यू नीड वन मोर वेरिएबल, तो इसको y मान लो भाई, शर्माना काहे का. अगर ये y है तो ये भी y है. तो एक बात तो ये जो बाय डिफॉल्ट लाइन मैंने आपको समझाई थी, बाय डिफॉल्ट इक्वेशन, कि ए का ये उम्र में से इस उम्र को घटाने पे जो आएगा, बी का इस उम्र में से इस उम्र को घटाने से भी वही आएगा, तो इस बाय डिफॉल्ट लाइन का इस्तेमाल पहले कर ले. तो
तो 2x माइनस y इज इक्वल टू y माइनस x. इक्वेशन बना लेते हैं पहले, x को इधर लगते हैं तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2y. ये एक इक्वेशन जिसको हम बाद में ट्रांसलेट कर देंगे, अगर x का जरूरत है तो x के टर्म में, अगर y का जरूरत है तो y के टर्म में. एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व नहीं करा जा सकता, इसलिए देखिए एक इक्वेशन और दिया है आपको. द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस का सम, यानी कि भाई 2x प्लस y, दिस इज 63. पूछा क्या है उस हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे हम इक्वेशन नंबर वन को. पूछा है फाइंड द एज ऑफ ए, ए का एज के लिए हमें x की जरूरत है ना कि y का, तो हम x के टर्म में रखेंगे. तो अगर x के टर्म में रखेंगे तो हम इस जगह को क्या कर लेंगे कि जहां जहां y है उसको हम कर देंगे 3/2x. बात समझ में आई? y रिप्लेस हो जाएगा x से तो x का ही वैल्यू आएगा, तो इसमें पुट कर देते हैं 2x और y है आपका 3x/2 इज इक्वल टू 60. तो आप देखो LCM अगर 2 लोगे, 2 × 4 + 3 = 7x = 63, यानी कि ये 7 इसको काटेगा 9 में, यानी कि x इज इक्वल टू 2 × 9 = 18. तो ये x जो आपका आ रहा है वो x आ रहा है 18. आपसे पूछा है a का एज, तो a का एज को आपने एज्यूम किया क्या है भाई 2x, तो 2x क्या होगा, एज एज आपने 2x एज्यूम किया है, यानी कि 2 × 18 दैट इज 36. यही आंसर है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, इससे पिछले वाले सवाल में मैंने जितनी भी बातें डिस्कस की, दो वेरिएबल एक वेरिएबल क्या है, तो वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, आई होप सो. तो आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर. राइट, ये रहा आपके सामने आज का क्लास का तीसरा सवाल, मैं रीड कर रहा हूं. तनु वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज विभा वाज व्हेन तनु वाज 3/2 times एज ओल्ड एज विभा इज नाउ. इफ सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 33, फाइंड द एज ऑफ तनु. तो मुझे जहां तक लगता है अब इस तरह का सवाल आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा, आपको अभी से समझ में आने लगा होगा कि एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, वरना ये लाइन नहीं देता. राइट, बढ़ते हैं आगे. आज जितना भी सवाल है आप देखो मजेदार है. ये है तनु, ये है विभा, ये है ओल्ड एज, ये है अभी का एज. तनु वॉज ये वाला, ट्वाइस एज ओल्ड एज विभा वॉज ये वाला, तो ये रिलेशनशिप है दो गुना का, तनु वॉज विभा वॉज, खत्म बात. अब यहां से बात टूट रहा है, देखिए व्हेन व्हेन तनु वॉज, फिर तनु वॉज का बात कर रहे हैं, 3/2 times एज ओल्ड एज विभा इज नाउ. विभा नाउ मतलब इसका ये कितना गुना है भाई, 3/2 times. तो आप देखो तीन चीजें तो एक साथ रिलेटेड है, तो मैं क्या करता हूं इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूं, तो मुझे पता है 3 से कटने वाला चाहिए, तो मैं इसे 3x एज्यूम कर लेता हूं. अगर मैं इसे 3x एज्यूम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6x, और अगर ये 6x तो ये होना कितना चाहिए भाई, सपोज करो कुछ भी होना चाहिए, उसमें 3/2 मल्टीप्लाई करके 6x आना चाहिए ना, तो ये कुछ भी जो है वो क्या होना चाहिए, तो 6x × 2/3. अब बात समझ में आया, मैंने इसे 3x क्यों एज्यूम किया था, मैंने इसे 3x इसलिए एज्यूम किया था कि नीचे 3 आने वाला है वो इस चीज को काट सके, अगर आप x एज्यूम कर लेते तो डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता, तो उस डिनोमिनेटर से बचना था हमें. तो होगा क्या भाई, ये कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं वो 4x होगा, तो ये तो हो गया आपका 4x. अब देखो एक जगह ब्लैंक रह गया, तो कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा, मैं ले लेता हूं y, तो बाकी सारे चीजों को भूल जाओ. अब एक बाय डिफॉल्ट लाइन जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा वो है y − 6x इज इक्वल टू 4x − 3x. ये तो बाय डिफॉल्ट लाइन बनने ही वाला है, पिछले दो सवाल में डिस्कस किया हूं मैं. तो होगा क्या भाई, y इक्वल टू ये x और ये इधर जाएगा तो 6x, y इक्वल टू 7x. मैं अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसे ट्रांसलेट कर लूंगा. बात एक इक्वेशन जो और एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो क्या है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो दिस प्लस दिस यानी कि 4x प्लस y इक्वल टू 33. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपसे पूछ रहा है तनु का एज, तो तनु का एज आपने क्या एज्यूम कर रखा है y, तो आपको y को बचाना है, यानी कि इसका मैं किस तरह से इस्तेमाल करूंगा, मैं x को रिप्लेस कर दूंगा. तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं तो x के जगह पे लिखना क्या होगा हमें, y/7. तो आइए
यानी कि दिस इज 4, x के जगह पे मैं लिखूंगा y by 7 plus y equal to 33, तो होगा क्या भाई, 7 हो जाएगा LCM, 4y plus 7y, that is 11y equal to 33, 11 इसको काटेगा तीन बार में, तो y का वैल्यू हो जाएगा भाई 7 किया 21, और आपने y ही अज्यूम किया है, यानी कि यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप अब आपको समझ में भी आ रहा होगा और इजी भी हो गया होगा चीज। एक सवाल और लाते हैं इसी तरह का। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है, फादर सेड टू हिज सन कि आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, इफ फादर एज इज 38 ईयर नाउ फाइंड द सन्स एज। तो ये बहुत मामूली सवाल है, अगर आप मेरे तरीके से नहीं भी करेंगे तो बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा, फिर भी मैं मेरे तरीके से इसको लेके जाता हूँ। राइट, फादर कह रहा है आई वाज, मतलब ये वाला जगह, एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, तुम अभी जितने साल के हो, मतलब ये दोनों सम, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, मतलब जब तुम पैदा हुए थे, तो जब तुम पैदा हुए थे तब तुम 0 साल के थे। इफ फादर सेज इज 38 नाउ, ये वाला एज 30, इसीलिए मैंने कहा था बड़ा मामूली सवाल है, आप लैंग्वेज में भी उलझ जाओगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, ये उल्टा लंबा पड़ जाएगा, चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो इसे हम अगर x एज्यूम कर ले तो ये भी x हो गया भाई। तो हुआ क्या, सारे जो बॉक्स है उनको एक ही वेरिएबल का जरूरत पड़ा, अब बाकी कांस्टेंट से फिल हो गया, तो हमें बाय डिफॉल्ट जो लाइन मिलेगा उसी से आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या भाई कि 38 माइनस x, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 0। तो इस x को उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 38, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 19। तो अगर x 19 है, आपको पूछा है फाइंड सन्स एज, तो सन के एज को भी आपने x ही अज्यूम किया है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इस तरह के फॉर्मेट का यही सवाल 4 मैंने कराया आपको, अगर इस तरह के सवाल आपको और मिलते हैं तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक सवाल मेरे पास बचा हुआ है, 4 सवाल करा के मुझे क्लास छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, एक सवाल मैं और लाता हूँ जो इस टाइप का नहीं है, बट रैंडमली मुझे वो सवाल मिल गया, उसको डिस्कस करते हैं, और वो सवाल आज के क्लास का आखिरी सवाल होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे, बहुत धमाकेदार टॉपिक है, चेन रूल, ठीक है। सवाल कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ अंकित एंड निकिता इज 240, इफ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर देन अंकित एज बाय 4 ईयर, फाइंड निकिताज एज। मतलब कि दो पर्सन है, एक अंकित और निकिता, दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 240। फिर कह रहा है कि निकिता का एज का 2 गुना अंकित के एज से 4 साल बड़ा है। तो आइए देखते हैं कैसे करें। तो पहले तो अंकित का एज को ए, निकिता का एज को एन मान ले अगर, तो ए इंटू एन दे रखा है 240। फिर कह रहा है कि ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, ट्वाइस द एज ऑफ निकिता इज मोर, ये बड़ा है, ये चीज बड़ा है, किससे बड़ा है, अंकित के एज से बाय 4। और आपको निकालना है निकिता का एज, तो कोशिश करो कि ये जो ए है ये रिप्लेस हो जाए, सॉल्यूशन का यही बेस्ट तरीका है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए इक्वल टू 240 बाय एन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, ए का वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो ए रिप्लेस्ड बाय एन, तो हमें निकिता का एज मिल जाएगा। तो 2n माइनस ए है 240 बाय एन इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 2 एक से कट रहा है, ये 240 120 से कट रहा है, और राइट हैंड साइड में बच रहा है। अगर हम एलसीएम भी ले लें, जरूरत नहीं इस स्टेप को लिखने का, बट मैं लिख रहा हूं कि n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 2। तो अगर मैं n यहां पे ना लिखता तो ये n चला जाता है यहां, दैट मींस ये n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0 हो जाता है। और यहीं पे बहुत लोगों का सरदर्द शुरू हो जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हम सॉल्व कैसे करें। तो मैं बोल रहा हूं कि नंबर के साथ खेलना सीखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, खासकर तो इस जगह पे, क्योंकि ये n स्क्वायर के आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में तो और आसान है। कैसे, आप क्या करो, कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके चले जाओ। तो अगर हम माइनस 120 को उस साइड ले जाते हैं तो उस साइड जाके 0 के जगह 120 हो जाएगा, ये सिचुएशन आएगा। अब हम यहां पे n कॉमन कर लेते हैं, तो बचा क्या, n माइनस 2 इक्वल टू 120।
आप इसको ना सोच के अब इस पे कंसीडर करो, इस लाइन पे। तो आपको बहुत आसानी से एक चीज दिख रहा होगा कि कोई नंबर है और उस नंबर में जब दो घटा दिए तो 120 आ गया। तो भाई ये एम जरूर 12 रहा होगा ना, इसी को कहते हैं नंबर से खेलना। अगर ये एन 12 है तभी तो एन माइनस टू बन जाएगा 10, और 12 इंटू 10 सेटिस्फाइज द राइट हैंड साइड, राइट? तो एन का वैल्यू आ गया भाई कितना, आप कहेंगे 12। यही तो आपसे पूछ रहा था कि निकिता का एज क्या होगा, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, हमें जरूर मोटिवेट करने के लिए बस क्या चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो आप ये कर देना और नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे चेन रूल लेके। इस सीरीज को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू गाइस।